हाय जेमिनाई, और आज हम बात करेंगे फरवरी 2020 आपके लिए कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की और साथ में चक्र ऑफ द मंथ की, जिसपे आपको मेडिटेशन करनी है। इन वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट इन वीडियोस से मिल रहा है तो एज अ पे बैक जरूर से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच पाए, मेरा चैनल सबके पास पहुंच पाए और सबको हेल्प मिल पाए। तो बात करते हैं फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जेमिनाई, अगर बात करें फरवरी के मंथ की, तो फरवरी के मंथ में बहुत सारी स्पोर्ट्स आपके कार्ड्स में नजर आ रही हैं, और स्पोर्ट्स होती है इंटेलेक्ट की, थॉट्स की। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मंथ में आप अपने इमोशंस और थॉट्स जो हैं उनको कंट्रोल में रखें। अगर कोई डिसीजन आपको लेना है, किसी एक स्पेस में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, जो कि लग रहा है कि आप में से काफी लोग अपने आप को एक सिचुएशन में स्टक फील कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि आगे कोई होप नहीं है, या क्या मैं इन लोगों को छोड़ सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं उनकी रिलेशनशिप एक अच्छे फेज में ना जा रही हो, या फिर उनके रिलेशनशिप में किसी ने किसी तरह का उनको कोई धोखा दिया हो, या उनके सामने कोई ऐसी चीज आई हो जो बहुत प्लेजेंट ना हो। उसके साथ ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो वो हेल्थ इश्यू बिल्कुल सामने आ गया, और उसके कारण आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ वाइज जो है वो हो रही होगी फ्रॉम लास्ट वीक्स ऑफ जनवरी टू नाउ। लेकिन द कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है ना ये आपका हेल्थ इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों को शायद सर्जरी की जरूरत भी हो सकती है, तो वो सर्जरी आपके लिए बिल्कुल सही बैठेगी और आपको सही डॉक्टर, सही पर्सन मिल जाएगा वो सर्जरी करने के लिए। अगर आपकी हेल्थ में अभी कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो आपके रिलेशनशिप्स इस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने रिलेशनशिप्स को चूज करना है या अपनी लाइफ में अपना गोल, अपने आप को आगे ले जाना चूज करना है। बिकॉज जो आप चॉइस करोगे वो चॉइस आपको आगे जाके या तो एक पावरफुल पोजिशन देगी, आपको राइट काइंड ऑफ गाइड, राइट काइंड ऑफ सिचुएशन देगी, या फिर आपको इमोशनली पुल डाउन करेगी। तो आपने ये बहुत ध्यान देना है कि आप इमोशंस को चूज करना चाहते हो इस टाइम पे, या प्रैक्टिकलिटी को चूज करना चाहते हो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ को चूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, तो फरवरी के सेकेंड हाफ में चांसेस हैं जहां पे वो आप प्रॉपर्टी भी खरीद पाओ और वो इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ। और साथ में अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो फरवरी बाय द एंड लास्ट वीक ऑफ फरवरी आपको उसमें भी गेन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज के मामले में भी, जहां ये मंथ हो सकता है कि बहुत हाई लेवल पे ना शुरू हो, आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े, वहीं बाय द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ आपको अचानक से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी, या लोग आपको कॉन्टेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, या लोग आपको अपने ऑफिस में, आपके सीनियर्स, पुराने लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको अपने ऑफिस में, आपको अपने साथ में ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी देंगे, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी भी रहेगी और आपको एक हैप्पीनेस और एक ग्रोथ भी लेके आएगी। आपने ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा लेजी ना हो जाओ इस महीने में, विच मीन्स कि आपको ऐसा ना लगे कि सब कुछ तो है, मुझे क्या करना है, या फिर मेरे कुछ करने से कुछ हो नहीं रहा है तो मुझे क्या करना है। तो आपने लेजी इस मंथ में बिल्कुल नहीं होना है, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने एफर्ट्स जो है उनको कंटिन्यू रखो। लेकिन वो एफर्ट्स करते हुए आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आप इमोशनल होके एफर्ट नहीं कर रहे हो और आप उन चीजों को फील नहीं कर रहे हो जो एक्चुअल में शायद है ही नहीं। तो आपने अपने आप को किसी भी तरह से इमोशनल पुल डाउन नहीं करना है। आपके कार्ड्स में 9 of Swords, 5 of Swords, 10 of Swords, 8 of Swords, बहुत सारी ये कार्ड्स बेसिकली ये दिखाते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है वो हो सकता है इतनी बुरी ना हो, और सिचुएशन जो है हो सकता है कि बहुत अच्छी तरह से चेंज हो आगे जाके, अगर आप अपने आप को इस टाइम पे जोड़ के रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे और प्रैक्टिकल होके अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिकल होके अपने लाइफ के डिसीजन लो। इसके साथ में बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी ये रहेगी कि आपने मेडिटेशन में बैठना है, और आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में वूंड्स रहे हैं, जिन चीजों से आपको कभी प्रॉब्लम रही है या कोई पुराने इश्यूज रहे हैं, क्योंकि काफी पुराने इश्यूज जो है वो दोबारा से क्रीप अप अपनी लाइफ में आपके इमोशनली माइंड में, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाले हैं और माइंड में क्रीप अप होने वाली है वो थॉट्स, तो उनको टैकल करना बहुत जरूरी है। तो आपने अपने सारे इमोशनल इश्यूज जो भी आपको हुए हैं उनके बारे में माइंड में सोचना है, और उनसे आपको क्या लर्निंग मिली है, क्या चीजें करके आप उनसे बाहर निकले हैं वो सोचना है, और अपने आप को बताना है कि पहले भी अपनी लाइफ में आप हर तरह के सिचुएशंस को क्रॉस कर चुके हो, उनसे आगे बढ़ चुके हो, तो यू कैन स्टिल डू दैट एंड गो अहेड विथ अ गुड स्टार्ट।
तो आपने ये मेंटल एक्सरसाइज जरूर करनी है। उसके साथ में आप लेट बुक की एक्सरसाइज भी कर सकते हो। लेट बुक का एक्सरसाइज का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर बात करें आपका नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ आपका रहेगा नंबर 5। फर्स्ट ऑफ द मंथ आपका रहेगा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र की मेडिटेशन होती है ओम। आपने कहीं पे भी बैठना है और ओम चैंटिंग करनी है। और कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास और पहनने के लिए ऑरेंज या रेड कलर का ज्यादा यूज करें। रेड, ऑरेंज, येलो, ये शेड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी इस मंथ के लिए। तो अपने आप को अलाइव रखिए, अपने आप को ब्राइट रखिए। और ये जरूर समझिए कि जितनी भी इमोशनल सिचुएशंस हैं, जितने भी सेटबैक्स हैं, वो इस मंथ में आपके सारे हटने वाले हैं और आपको एक अच्छी पावरफुल पोजीशन मिलने वाली है। आप अपने ड्रीम को अचीव करने वाले हो, आपको ग्रोथ मिलने वाली है और आपको साथ में अपने इन्वेस्टमेंट्स का फायदा भी मिलने वाला है। तो आप सिर्फ एक्शन में रहिए, इमोशनल ना होइए और अपने आप को पीछे ना खींचिए कि मुझे ये करना है, वो नहीं करना है, इसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट। आप इस की सब बातों को छोड़कर सिर्फ अपनी लाइफ पे और अपने एक्शन पे फोकस कीजिए। अपनी पिक्चर जो है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको बहुत क्लियर अपने माइंड में रखिए और आपको वो अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। बाय फेब्रुअरी एंड आप वो चीज जो है, जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे आपका करियर, चाहे आपकी स्टडीज, चाहे आपकी लाइफ में पार्टनर, चाहे बेबी, जिस भी फेज ऑफ लाइफ में आप करना चाहते हो, आप वो अचीव कर पाओगे। तो इसी के साथ इस मंथ के लिए इतना ही। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए इन वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक के जरिए मुझे जरूर बताइए कि वीडियोस आपके लिए कैसी रह रही हैं और आप या मैं कैसे इन टैरो रीडिंग्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ आपके लिए। तो अपने फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर जेमिनी, बाय बाय।